जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसका मकसद सिर्फ यह है, 3 साल डीजे हली केस में हो गए और 1 साल नेटोरी केस में हो गए। डीजे हली केस में आपको खुद सबको मालूम है कि वो एक राइटिंग इंसिडेंट था। उस राइटिंग इंसिडेंट होने के बावजूद भी उसको एक UEPA एक्ट इन्वोक करके उसको एक टेरर एक्ट बताया गया, जिसकी वजह से आज भी 30 पर 7 लोग जेलों के अंदर हैं। और उनमें उनको जेल में रखने के लिए, और क्योंकि ये खास कम्युनिटी से टारगेट करते हैं, कम्युनिटी के अलावा कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि आम तौर पे समाज की में जो बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आम तौर पे वो लोग आगे आते रहे, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके उन लोगों को UEPA सेक्शन डाला गया। तो उनको जब उनके ऊपर UEPA डाला गया तो सबको मालूम था कि इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। तो NIA ने अपने एलिगेशन को मैच करने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया। उनमें से एक जो ग्लेरिंग एग्जांपल है, जो कि एक आम आदमी देखे भी मैं जान सकता है, एक इनोवा कार का बर्निंग का इशू स्टेट पुलिस ने क्राइम नंबर 235 में रजिस्टर किया। उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट कर उसके ऊपर चार्जशीट फाइल करी नवंबर के महीने में, और चार्जशीट में क्लियर से बोला एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 8, एक्यूज नंबर 9 एंड एक्यूज नंबर 18, इनके नाम मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में है। इन लोगों ने इनोवा कार जलाई, मगर NIA ने क्या किया, दिसंबर के 3 महीने में 5 लोगों को पकड़ा, एक्यूज नंबर 19 से लेके 24 तक, इनको ऊपर एलिगेशन लगाया, इन लोगों ने इनोवा कार जलाई। अब आप सोच समझिए, एक ही इनोवा कार दो ग्रुप कैसे जला सकते हैं? चलो अज्यूम करो भाई, ये 4 + 5 और 9 लोगों ने मिलकर जलाई होगी, ठीक। इन 5 लोगों का नाम इन चार्जशीट में रहना ना नहीं रहना, और ये और जो विटनेस ने रिकॉर्ड किया उन्होंने इन 5 लोगों के बारे में बोलना नहीं बोलना। और NIA ने क्या किया कि जो स्टेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस थी और जो जो स्टेटमेंट जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी पहले 45 डेज के अंदर, वो कोई भी स्टेटमेंट्स चार्जशीट में डाली नहीं, मिसलीड किया कोर्ट को, इवन एक्यूज को जेलों में रखने के लिए मिसलीड किया। बट कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमको स्टेटमेंट्स मिली, जब स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया, जो केस NIA ने किया था और जिससे स्टेटमेंट था वो इंटायरली डिफरेंट था। और जो 2 विटनेसेस के बारे में NIA बोल रही है जिन्होंने 5 लोगों को इनोवा कार जलाते देखा, वो एक्यूज ये CW1 अजय सारथी है और CW9 संदीप मुलगी है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। अगर इन्होंने सच में देखा होता तो सबसे पहले अपने पुलिस स्टेशन की जो केस है उसमें वो लोग स्टेटमेंट देते, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर 4 विटनेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 235 में भी हैं और NIA के उसमें भी हैं। इन 4 विटनेस ने अगर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इनोवा कार के बारे में, तो नेचुरली NIA के सामने ही बोलते थे, उन 4 विटनेस ने नहीं बोला। या यही नहीं, स्टेट पुलिस के जो पुलिस के स्टाफ थे उनमें से 3 पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फ़ोन में 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। कितने घंटे का? 2। अब आप समझिए, पुलिस वाला खुद जब वीडियो रिकॉर्ड करता है तो क्या करता है, उन्हें कॉन्शियस रहता है, उन्हें पेड़ों का रोडों का नहीं करता है, लोगों उन्हें क्या करता है, जहां पे क्राइम इंसिडेंट होता है उसका करता है। मगर वो वीडियो क्लिप पहले NIA ने छुपाया, पहले हमको दी नहीं, फिर बोला डिस्ट्रॉय हो गई, फिर कोर्ट ने जब स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया तब उन्होंने जाके वीडियो बनलाया, और उस वीडियो में कोई भी ऐसा इंसिडेंट ये करते हुए दिख नहीं रहे जो लोगों को जेलों के अंदर रखा हुआ है। ये हुआ किसका, DJLE KJLE केस का। और ये सारे हम जो एविडेंस हैं कोर्ट के सामने हम ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कुछ इनको रिलीफ मिलेगा। प्रवीण नट्टर केस में आप लोग सबको मालूम है, प्रवीण नट्टर केस एक बहुत ही बड़ा फेमस केस था कर्नाटका के अंदर, उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, सब कुछ हुआ उसमें। उस केस में जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पहले 25 दिन तकरीबन 20 से 22 दिन तब कोई आई विटनेस नहीं था। NIA की चार्जशीट में आई विटनेस आ गए। जब हमने स्टेटमेंट निकालने की कोशिश की पुलिस वालों की, तो NIA ने क्या बोला, वो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पुलिस की स्टेटमेंट डाल दिया। तो जब हमने लिस्ट मिली तो हमें मालूम चला कि जो विटनेसेस स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेजेस जो इन्वॉल्व है एक एक स्टेटमेंट में, वो डिफरेंट है अदर देन द NIA पुलिस की NIA की स्टेटमेंट से। तो ये साफ दिखाता है कि NIA ने स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया है, और सिर्फ इसलिए फैब्रिकेट किया है कि आई विटनेस की एक स्टोरी, फॉल्स स्टोरी क्रिएट किया जा सके। और इसी के लिए हमने इसके ऊपर हमने एक 340 कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में डाल दिया, जिसमें हमने बकायदा डिमांड किया है कि एक इंक्वायरी होए और जो एयरिंग ऑफिसर उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन हो। अब मैटर कोर्ट में है और मैं उम्मीद करता हूँ कोर्ट इसको करेगा, और बेल के बारे में भी हम ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने ला रहे हैं, और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कोर्ट हमारे को इसमें हेल्प करेगा। जिस तरीके से बाकी मर्डर इंसिडेंट में
दूसरे एक्यूज लोगों को रिलीफ मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी इनको मिलेगा। Your statement in the press conference, what you said is that the cases or the charges have been framed and manipulated, fabricated against the accused of the DJ Helly and Praveen Nitaru case. So, are you going to challenge this UAPA? See, basically, you know that how hard is the court system. If we challenge it also, it will take years together to come out. See, the ITS tell you one small incident. I take example of DJ Helly, KJ Helly incident. I am not supporting this incident, and this is condemnable incident, and this our civil society, such incident should not be happening. But see, this stationer attack, UAPA was involved. You may be aware that there is an incident happened in the Lal Killa during Kisan protest. There are so many police were attacked. UAPA was involved? No. Hardik Patel case was there in Gujarat. There are more than 17 people who have died. 9 police also died. In that all incident, not even single UAPA was there. You may be aware the incident of Ram Rahim arrest, when Ram Rahim was convicted. There's a large scale violence was happened. 47 police personnel were murdered. How many? 47 police personnel, but no UAPA was there. So wherever a member of minority community involved, either a DJ Helly, KJ Helly or in a Hubli case, there they immediately they invoke UAPA. In Manipur, 60,000 FIRs. How many? 60,000 FIR, not even one single UAP. So these are the conduct of the agencies, which gives a scope for a questioning. Sir, do you think if all this was manipulated to ensure that UAP Act has been imposed and it becomes more difficult? See, basically what? Yeah, two people to come out to confirm the bail. See, that is the only intention. Can you make a full statement on that? See, there is a very specific statement in respect of Praveen Nitaru. I will tell you. See, there is a eight incident, murder incident, communal murder. Minority murder, majority community murder, minority. But all it is a murder incident, purely murder incident. But only selectively two incident, UAPA was invoked. All other six incident, UAPA was not invoked. I had given you details of all the FIRs with the statement, and I had given the bail orders number also. In all the six cases, bail was granted. In the two cases where the Muslims were accused, bail were not granted. That is only because of UAPA was invoked. But it is a simple murder case, and in Supreme Court in Sini Nayanar case in 2017 itself clearly stated that in the cases of communal murder, UAPA cannot be invoked, cannot be considered a terrorist activity.